नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के कानपुर आउटर में जला बदर चोर को पुलिस ने पकड़कर थाने से छोड़ा। मामला है कानपुर आउटर के थाना चौबेपुर के ग्राम बनसठी का। पीड़ित रोशनी देवी ने बताया कि वह 27 अक्टूबर 2022 को रात में सुघर में सो रही थी। इसी दौरान गांव का विपिन पुत्र देवी चरण छत से बरामदे के पास से साड़ी बांधकर घर में उतर आया। इस दौरान उसने पास रखे मोबाइल व गले में पहना हुआ मंगलसूत्र, दो तोले की चेन गले से छीन कर भाग गया। पीड़ित रोशनी देवी के शोर मचाने पर उसके परिवार के लोग इकट्ठा हो गए। इस दौरान आरोपी विपिन पीछे का गेट खोलकर भाग गया। आरोपी विपिन की चप्पल पीड़ित के घर में ही छूट गई। पीड़ित परिवार ने तुरंत 112 नंबर को सूचना दी। पुलिस घर में आए और वीडियो बनाकर चले गए। पीड़ित परिवार ने सुबह चौबेपुर थाने जाकर अपना प्रार्थना पत्र दिया। थाना चौबेपुर पुलिस आरोपी को पकड़कर थाने में ले आई, लेकिन रात भर थाने में रखने के बाद उसे सुबह छोड़ दिया। पीड़ित परिवार ने आरोपी को छोड़ने के बाद पूछने पर चौबेपुर थाने के संबंधित पुलिस अधिकारी ने बताया कि हम नाम दर्ज रिपोर्ट दर्ज नहीं करेंगे, आप शक के आधार पर प्रार्थना पत्र लिख कर लाइए। आरोपी को थाने से छोड़े जाने के बाद पीड़ित परिवार डर के साए में जी रहा है, जबकि रोशनी के द्वारा बताया गया कि आरोपी पर चौबेपुर थाने में पहले से ही मुकदमा दर्ज है। कानपुर संवाददाता दीपक मिश्रा की रिपोर्ट। किस गांव रहते हो? चिंतापुर। क्या मामला हो गया आपकी लड़की के साथ? चोरी भाई। अच्छा, क्या लड़की का हुआ था? भाई छत पर से ना वो उतरा अंदर बाहर से चढ़ के। क्या नाम था उसका? विपिन। अच्छा, छत से अंदर उतरा, बिटिया ही सो रही थी, इधर छोटे वाला भाई सो रहा था, वो जैसे उतर के ना इसका छपक के भगा, जैसे या कीकी है पहले हु की नहीं कीकी, जैसे हम अंदर आए ना तो बस वो सीधे बाहर निकला। भागते हुए आपने देखा तो उसको? अरे वो कहा भागते हुए का, पूरा ही जंगलवा में पूरा कम से कम 20-25 आदमी आ गए तो ढूंढ लो। अच्छा, फिर नहीं मिला है ना? थाने गए? थाने में क्या हुआ? थाने गए, एफ आई आर लिख के दीन गई, कहना तुमको शाम को दे देंगे यार, वो नहीं रिपोर्ट है वहाँ पर दी नहीं, फिर सुबह बुलाओ गेंद कहना तुम्हारे यहाँ क्या हुआ, हमको चोरी भाई, कहना चोरी भाई की झगड़ा हुआ हमको, नहीं चोरी भाई, कहना अच्छा क्या क्या गया, हमको बोला एक लर दो तोले की अस्थिया किनकी बनी हुई है, मोबाइल है इसका लुंडे का, कहना इसमें शक लिखाइए, फिर तो हमको शक क्यों लिखा, हमारे 3 साल के पहले एक चोरी भाई थी, बड़े भैया किनते पूरा चला गया तो शक लिखा लिए, तो वहाँ तक कुछ ना ही बाले पकड़ लेते छोड़ देते ले दई दई दई, तो मैं सब कल फिर दौड़ाओ, कल फिर आना, फिर शाम को 8-9 बजे रात का गया था, फिर नहीं दिए, फिर बाहर गया तो फिर नहीं दिए, कहा था इसमें शक लिखो तुम करे ने उल्टा तुम्हारे ऊपर आधार पर कौन सा थाना लगता है आपको? चौबेपुर। आपका गांव कौन सा है? ग्राम बनसठी चिंतापुर। चिंतापुर कौन गांव का रहने वाला? चिंतापुर सिटी। अच्छा, क्या मामला हो गया आपके साथ? हमारे यहाँ चोरी हो गई। अच्छा अच्छा, किसने चोरी की? विपिन। अच्छा अच्छा, क्या हुआ था, मतलब कैसे हुआ है? छत के ऊपर से साड़ी बांध के अंदर उतर आया। अच्छा, हम सो रहे थे। हाँ। जैसे उसने हाथ डाला हम तुरंत जग गए। हाँ। उसने चैन मंगलसूत्र मेरा खींच पकड़ लिया, उसने तोड़ के जैसे भगा तुरंत हम जग गए। इसके बाद हमने उसको जान भी लिया, उसका जैसे हमने हाथ पकड़ लिया, उसने हमने धक्का दिया तो हम नीचे गिर गए, पीछे का गेट खोल के वो भाग गया। घर में और कुछ नुकसान किया उसने का? नहीं, एक लर है, मोबाइल है और मंगलसूत्र, 3 चीज़ें हैं। और वहाँ अपने जब तक हमारा शोर मचा तो हमारा भाई भी जग गया, हम लोग पीछे भागे तब तक वो निकल गया। थाने में अप्लीकेशन दी तो वहाँ पे बता रहे थे कि इसको शक के आधार पे लिखवाइए, नहीं आपको आपके पिताजी को हम मतलब उल्टा केस करेंगे, जेल पे डलवा देंगे। उसको 24 घंटा रखा, उसके बाद उसको ले दे के छोड़ दिया। इसके बाद आपने और कहीं अप्लीकेशन दी है क्या? हमने दी है। कहाँ पे दी है? आउटर। आउटर ठीक।